हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डोलिन किचन में। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मेथी पनीर। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, लेकिन इजीली हम इसको घर पे ही बना सकते हैं। ये बहुत ही कम समय में स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियो देखने के लिए घंटी वाला बटन जरूर दबाइए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुका है। उसमें 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। प्याज और टमाटर भून चुका है, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया है, उसी कढ़ाई में 3 टेबल स्पून फिर से ऑयल डालेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट। अब मेथी को डाल देंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम मेथी लिया है, जिसको मैंने धो के कट कर लिया है, जिसको चला के गलने तक भूनेंगे। मेथी गल चुका है, अब इसमें मसाले डालेंगे। मैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसको चला के थोड़ा और भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब उसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। और थोड़ा 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब पनीर डाल देंगे। यहाँ मैं 100 ग्राम पनीर डाल रही हूँ, इसको मैंने पीसेस में काट लिया है। चला के इसको 2-3 मिनट तक पका लेंगे। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ सूखा बना रही हूँ, इसलिए मैं पानी नहीं डालूंगी। 4 मिनट हो चुका है, अब बिल्कुल ये बन के तैयार है। अब इसको उतार लेंगे। अब देखिए, मेथी पनीर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले नई रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।